तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, क्योंकि ये वीडियो आप लोग सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि सिविल बिहार के लिए कौन सा इंजीनियरिंग में ब्रांच बेस्ट रहेगा। ठीक है, सिविल ब्रांच बेस्ट रहेगा या कंप्यूटर साइंस बेस्ट रहेगा या इलेक्ट्रिकल ब्रांच बेस्ट रहेगा या मैकेनिकल ब्रांच बेस्ट रहेगा या ईसीई ब्रांच बेस्ट रहेगा। ठीक है, एज ए आज हम पर्सनली कंपेयर करेंगे सिर्फ कंप्यूटर साइंस और सिविल का, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा मायने कौन रखेगा, मतलब कि बिहार से इंजीनियरिंग करने में सबसे ज़्यादा फायदा किस ब्रांच से होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोग सभी को समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सभी लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। जो भी बच्चे इस बार बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, या फिर काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि बिहार में सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिविल ब्रांच सबसे बेस्ट रहेगा। अगर हम लोग देखें कि प्राइवेट सेक्टर में कोडिंग वोडिंग वगैरह सब कोडिंग के बारे में देखें, ठीक है, डिजिटल सेक्टर में देखें तो आपका सीएससी ब्रांच बेस्ट रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा सिविल ब्रांच, क्योंकि सिविल ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा है बिहार में। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलता है, तो बिहार में बहुत ज़्यादा है सिविल ब्रांच का जॉब, गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा है। लेकिन सीएससी में गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है बिहार में, या फिर बाहर में भी बहुत कम है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर साइंस के जॉब बहुत है, 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार का जॉब ऐसा ही नॉर्मल मिल जाता है आपको, अगर आपके पास बीटेक का डिग्री है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। तो ऐसे दोनों का बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट है। अगर आपको ऐसे ही नॉर्मल जॉब करना है प्राइवेट सेक्टर में, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप फिर सीएससी ले सकते हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट है। ठीक है, तो दोनों का ऐसे दोनों ब्रांच अच्छा ही है और दोनों का कटअप बहुत ज़्यादा हाई जाता है बिहार इंजीनियरिंग में। ठीक है, बिहार इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा हाई जाता है सीएससी ब्रांच का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, और सिविल ब्रांच का कटअप बहुत ज़्यादा हाई जाता है। क्योंकि दोनों में अगर एडमिशन लेने हैं आपको, सिविल और कंप्यूटर साइंस में अगर आपको एडमिशन लेने हैं बिहार इंजीनियरिंग में, तो आपके टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एडमिशन लेने तो आपको 80% परसेंटाइल और 70% से ऊपर लाना होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, अगर JEE Mains में 70% 80% से ऊपर है तो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में, बिहार का टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में आराम से एडमिशन हो जाएगा। और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मतलब बल्ले बल्ले है। ठीक है, क्योंकि टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई भी अच्छे से होता है और पुराना कॉलेज है तो एक्सपीरियंस भी बच्चों का बहुत अच्छा रहता है, टीचर्स का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखो, दोनों ब्रांच बहुत बेस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिविल ब्रांच बेस्ट है। और अगर ऐसे प्राइवेट सेक्टर की बात कर ले तो सिर्फ जॉब चाहिए, जल्दी जॉब चाहिए, तो फिर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेस्ट है। क्योंकि 4 साल बाद आपका प्लेसमेंट बहुत जल्दी लग जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और सिविल में भी लग जाता है, प्लेसमेंट भी सिविल में है। और लेकिन ऐसे है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में थोड़े से गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, बहुत कम है। ठीक है, लेकिन सिविल ब्रांच में आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाता है तो प्लेसमेंट भी मिल जाता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कंपेयर में सिविल इंजीनियरिंग भी बेस्ट है। लेकिन अभी जैसे इंडिया ग्रोथ कर रहा है, धीरे 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 डिजिटल बन रहा है सारा चीज़, उस हिसाब से अगर देखें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेस्ट है। तो जो बच्चे के अच्छे परसेंटाइल है तो वो ट्राई करना कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले या तो फिर सिविल ले। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ब्रांच से लेके पढ़ोगे तो आपका कैरियर अच्छा से बनेगा और अच्छे जगह पर जाओगे। ठीक है, तो यही था आप लोग के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करो और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।